तो देखो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो कि इसमें बेसिकली क्या आया था। द रेशियो ऑफ द थर्मल पावर रिलीज ऑफ द टू रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। तो हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, चलो ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस, ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है भाई, पैरेलल में। तो जब इनके अक्रॉस बैटरी लगाओगे प्लस माइनस बी वोल्ट की, तो इनके अक्रॉस वोल्टेज तो सेम होगा ना, ये डीसी सोर्स लगाओगे तो वोल्टेज तो इनके अक्रॉस सेम होगा। तो इसमें और इसमें दोनों में यहाँ से जो करंट आई जा रही होगी, इसमें डिवाइड हो रही होगी, मान लो आई वन है तो इसमें आई टू है, आई वन आर टू, ये रेजिस्टेंस आर वन है, ये आर टू है। तो थर्मल रेजिस्टेंस अगर ये आर है तो ये कह रहे हैं इसकी वैल्यू थ्री टाइम्स आर है। तो रेशियो ऑफ थर्मल पावर, तो थर्मल पावर का क्या फार्मूला होता है, थर्मल पावर कंज्यूम इन रेजिस्टेंस। तो थर्मल पावर जो है रेजिस्टेंस जो यूज करेगा, तो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, मतलब पावर इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब यहाँ से रेजिस्ट मतलब पावर, अगर इसमें पावर पी वन कंज्यूम हो रहा है, समझ रहे ना, इसमें पावर पी वन कंज्यूम हो रहा है, इसमें पावर पी टू कंज्यूम, तो पावर पी वन अपन पी टू की जो वैल्यू आ जाएगी और रेजिस्टेंस आर टू अपन आर वन के इक्वल आ जाएगी। तो रेजिस्टेंस आर टू कितना है, थ्री टाइम्स आर है और ये आर है, तो ये आ जाएगा थ्री बाई वन आ जाएगा, मतलब थ्री रेशियो वन इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ द पावर पी वन अपन पी टू की वैल्यू। तो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो थ्री रेशियो वन मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आसान सवाल था।